नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि पोखरियाल। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से कई राज्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, इनमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पिछले कई दिनों से बारिश ने कहर बरपा रखा है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पहुंच रहा है। राज्य के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और रोजमर्रा के काम पूरी तरह से ठप हो गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे इनके किनारे बसे शहरों में जलभराव हो गया है। साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। संगम और उसके आसपास के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घर तक में पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, लेकिन यहाँ के हालात इतने खराब है कि हजारों घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं। इससे एक और जहां लोगों को परेशानी हो रही है, तो दूसरी ओर एक पति पत्नी अपने ही घर में गंगा को पाकर उत्साहित है। इतने उत्साहित है कि अब ये दोनों वायरल हो गए हैं। जी हां, एक पति पत्नी का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक घर में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। साथ ही इस दौरान पति पत्नी घर में भरे बाढ़ के पानी में रोमांस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पति इस दौरान पत्नी को स्विमिंग भी सिखा रहा है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। प्रयागराज में आई बाढ़ से हर तरफ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है और लोग इस बाढ़ के पानी में अपने आप को बचाते फिर रहे हैं। वही इस बाढ़ के पानी में एक और अनोखी तस्वीर सामने आई है। कैमरे में भरे बाढ़ के पानी में पति पत्नी डुबकी लगा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, खूब मस्ती कर रहे हैं ये कपल। जी हाँ, अब घर के अंदर ही माँ गंगा आ जाए तो डुबकी लगाना तो बनता ही है। जी हाँ, तो इन दोनों कपल से ये सीखा जा सकता है कि कैसे परेशानियों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।